कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनएसयूआई के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी पर हमले बोले। राहुल गांधी ने सरकार पर आरएसएस की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया और मेक इन इंडिया पर भी निशाना साधा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक के बाद एक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने से नहीं चूक रहे। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया से देश को कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि इससे सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मैं आपको भी बता देता हूं, अब अभी से प्रचार शुरू कर दो, मेक इन इंडिया कुछ होने वाला है नहीं, जीरो निकलेगा इसमें, जीरो, क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए आपको हिंदुस्तान की आम जनता को शक्ति देने की जरूरत है, मेक इन इंडिया के लिए आपको गरीब जनता को भरोसे देने की जरूरत है, तभी मेक इन इंडिया होगा। ये सोचते हैं कि दो तीन बड़े उद्योगपतियों को आप फाइनेंस दे दो, मदद कर दो, सपोर्ट कर दो और मेक इन इंडिया हो जाएगा, नहीं होने वाला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात पर भी चुटकी ली। मनमोहन सिंह जी ने कहा इकोनॉमी डाउन जा रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक घंटे की पाठशाला ली हमारे प्रधानमंत्री जी से, कोशिश की समझने की कोशिश की भैया ये कैसे चलती है इकोनॉमी, कैसे चलती है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर हमला करने के साथ साथ राहुल गांधी ने सरकार पर शिक्षण संस्थानों में आरएसएस की विचारधारा थोपने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राहुल गांधी जी आजकल जुमलेबाजी ज्यादा कर रहे हैं, शायद इसलिए वो अपने आप को मीडिया में प्रासंगिक रखना चाहते हैं। अभी तक तो उनको जाना जाता है कि देश के बाहर है, देश में कोई ऐसा ठोस काम उन्होंने नहीं किया। अमेठी एक अच्छा उदाहरण है कि वहां पर कभी भी विकास नहीं हुआ और 10 साल से ज्यादा वहां के वो सांसद है। बाकी ऐसा है, मुझे लगता है क्योंकि सीख रहे हैं राजनीति। हाल के दिनों में राहुल गांधी लगातार सीधे सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बना रहे हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने मोदी सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था। संसद में आमतौर पर कम बोलने वाले राहुल गांधी ने पिछले सत्र में लगातार एनडीए सरकार और खासकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। मौका कोई भी हो, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। एनएसयूआई का कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने यही किया, आरएसएस और नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। कार्यकर्ताओं को संदेश साफ था कि कांग्रेस की विचारधारा से आरएसएस की विचारधारा को हराने के लिए लड़ाई जारी रखें। इस समय कैमरा पर्सन योगेश नंदा के साथ दिल्ली से नीरज कुमार।